उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। अम्मी आपने देखा नहीं साहिर कैसे अनाया को चुप करा रहा था, और अभी जो वो अनाया को अपने साथ लेकर गया है, आप देखिएगा ये मुलाकात क्या रंग लाती है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अनाया को लिफ्ट कराना इस बात का सबूत है कि अगर वो खाकान की बातों में नहीं भी आया, उसने यकीन नहीं भी किया, तो कहीं ना कहीं साहिर उलझ तो गया है। आप अनाया को डिनर के लिए लेके गए थे ना, ये किसने कहा तुमसे? इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि आप गए थे या नहीं। तो मेरी जासूसी करवा रही है ना, तो जाओ खुद पता। साहिर मेरा मतलब वो नहीं, तुम्हारा जो भी मतलब था, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं आप, गाड़ी में भी खामोश थी आज। बैठो बताती हूँ। जी बेटे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ऐसी क्या बात है जो आप इतनी परेशान हैं, बताए ना मुझे। वो शहला चाहती है कि तुम अनाया से दूसरी शादी करो। क्या क्या कह रही हूँ बेटे? मैं ठीक कह रही हूँ? आज तो शहला ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी वो बहुत मजबूर है। ये सब उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब मैं चाहती, उस वक्त उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया, तो अब क्यों? बेटे वक्त का पहिया उल्टा घूमता है, कभी कभी इंसान का किया उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब मैं उनके हाथों खिलौना नहीं बनूं, उस वक्त उन्होंने मेरी मोहब्बत की बहुत तौहीन की, तो मुझसे किस बात की उम्मीद रख रहे हैं वो? बेटा देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम ये जरूर सोचना कि तुम जो भी कदम उठाओगे उससे तुम्हारी बहन का घर खराब हो सकता है। अम्मी अलीना से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत नफ्स अजीज है, उन्होंने उस वक्त जो मेरे साथ किया मैं भूला नहीं हूँ। अच्छा बेटे गुस्सा करना छोड़ो, ये बताओ आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस अम्मी वो दोस्त के साथ लंच पे चला गया था, वापस नहीं गया ऑफिस, घर आ गया। तुम्हें खिरद ने कुछ बताया? खिरद ने क्या बताना है मुझे? नहीं असल में बात यह है कि उसकी तबीयत जरा कुछ खराब हो रही थी, तुम्हारे बाबा जान उसको हॉस्पिटल ले गए थे। अम्मी आपको क्या जरूरत थी इतनी जल्दी खाला जान से ये बात करने की? अरे वो मेरी बहन है, क्या हुआ उससे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी फिर मैं? फिर भी अम्मी हम लोगों के लिए भी तो मुमकिन नहीं है ये सब इतनी जल्दी करना, और फिर साहिर भी नहीं मानेगा। जल्दी मुझे भी नहीं थी चांदनी, लेकिन ऐसे कामों के लिए पहले से ग्राउंड बनाना पड़ता है, और तुम देखना
एक वक्त आएगा जब आप मेरा साथ देंगी। और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो? मैं जानती हूँ खाला जान को, छोटी छोटी बातों पे परेशान होके ना हाथ पांव फुला के बैठ जाती हैं वो। आपा शुरू से ऐसी हैं, लेकिन ये मत भूलो वो हर बात में तुम्हारा ही साथ देती हैं। अल्लाह करे अम्मी, लेकिन खिरत की प्रेगनेंसी की खबर सुन के तो मुझे ये सब मुमकिन नहीं लगता। और अगर खिरत एक दफा साहिर के बच्चे की माँ बन गई तो उसे साहिर की जिंदगी से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। अरे बेफिक्र रहो, इसका हल भी है मेरे पास, बस तुम वापस जाने की तैयारी करो। और वैसे भी तुम्हारा यहाँ आकर ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। सच कह रही हैं आप अम्मी, आपके सामने मेरे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। और वैसे भी चलाकी में तो मैं आपका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मुझे तो वो वक्त भी याद है जब तुमने अनाया और साहिर को एक दूसरे से बदजन किया था, वरना अनाया तो मेरे हाथ से निकली जा रही थी। जी, और आज इसी अनाया की बेवकूफी की वजह से ना हमें थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि इससे तुम्हारा कितना भला है। जिंदगी भर का दुख उठाने से बेहतर है कि ये एक जहर का प्याला पी लिया जाए। फिर मैं इंशाल से कहती हूँ कि वो वापस जाने की तैयारी करे। हाँ तुम कह दो, और एक काम करो, अनाया से कहो जरा इधर मेरे पास आए, उस बेवकूफ कम अकल को मैं कुछ समझाऊं। भेजती हूँ। आज कहीं गई थी क्या? जी हाँ, आपके ऑफिस आई थी, सोचा था बाहर कहीं जाके लंच कर लेंगे, लेकिन आप किसी के साथ बाहर जा चुके थे। हाँ वो एक पुराना दोस्त था जो ऑफिस आ गया था अचानक से, तो उसके साथ लंच पे जाना पड़ा। वैसे तुम किस वक्त आई थी? उसी वक्त जब आप उस पुराने दोस्त के साथ निकल के बाहर जा रहे थे। तुम आने से पहले बता देती तो मैं तुम्हें खुद आकर पिक कर लेता। फोन किया था मैंने आपको, बहुत बिजी होंगे ना आप, इसलिए मेरी कॉल नहीं अटेंड किया आपने। अच्छा। खैर मैं आपके लिए चाय लाती। खिरत, ये चाय किसके लिए बना रही? वो आपके लिए और साहिर के लिए, मुझे लगा आपको भी चाय की तलब हो रही होगी। हाँ चाय को जी तो मेरा बहुत चाह रहा था। लेकिन ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी? जी बेहतर है। हाँ देखो बेटा, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, ऐसे मौकों पे बहुत एहतियात की जरूरत होती है, अपना ख्याल रखा करो। चाय तुम बना रही थी ना साहिर के लिए, जाओ बेटे ले जाओ। जी क्या की चाय? चलो। साहिर आओ बैठो। क्या बात है, नाराज है मुझसे? आपको मेरी नाराजगी से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तभी तो पूछ रहा हूं। बताओ क्या बात है? आप पहले फोन पे बात करिए, कोई बहुत जरूरी कॉल कर रहा है। मैं हुमानी जान की बात सुन के आती, प्लीज। हाँ क्यों कॉल्स कर रही हो बार बार, मैं घर पर हूं। बीवी से डरने की बात नहीं है यार,
मुनासिब नहीं लगता। मामा मैं कितने कपड़े रखूं? बस दो चार और कपड़े रख लो, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो बाद में मंगवा लेंगे। मामा आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, मुझे कॉलेज भी यहाँ से दूर पड़ रहा है। आपने कौन सा पैदल आना जाना है जो आपको मुश्किल हो? फिर भी कॉलेज के लिए तो होती है ना, आपको पता है ऑलरेडी इतनी छुट्टियां हो चुकी है। अच्छा ठीक है, इसके लिए भी मैं कुछ सोचती हूँ। और हाँ, अपने दादू को कह देना कि मैं सिर्फ आपकी खातिर मामा को लेकर आई, वरना उनका दिल नहीं चाह रहा था आने का। लेकिन खिरद चाची भी तो उनके साथ थी, तो मैं उनसे क्या कहूंगी? हाँ, उनके लिए आप कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लें जो जाके आप उन्हें पेश कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल में मोहब्बत और हमदर्दी की शदीद कमी पेश आने वाली है। क्या मतलब, उनको कमी क्यों होने वाली है? आप मतलब को छोड़िए और खाकान को फोन कीजिए, उसे कहिए कि मैंने बुलाया। जी मैं करती हूँ। और हाँ, उससे कोई उल्टी सीधी बात मत कर दीजिएगा, सिर्फ फोन करके यही कहिएगा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है और कुछ भी नहीं। जल्दी कर लो। साहिर, सलाम अलैकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, कहाँ गुम हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम घर पे टाइम नहीं दे रहे हो। बस बाबा, आजकल ऑफिस में काम कुछ ज्यादा है तो देर हो जाती है। अरे भाई, ज्यादा काम है तो थोड़ा घर पे ले आया करो, आजकल खिरद को तुम्हारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। सब खैरियत तो है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब है कि खिरद ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? खिरद ने क्या बात है, मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? कितनी अजीब सी बात है कि ये खबर बेटे को एक बाप बता रहा है, लेकिन क्या करूं, छुपा नहीं सकता, क्योंकि खुशखबरी है भाई, तुम माशाल्लाह से अब बाप बनने वाले हो। क्या क्या तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? नहीं, परेशान नहीं हूं मैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। अरे पागल, इसमें रिएक्शन क्या, वही करो जो तुम्हारे बाप ने किया, सजदे में गिर जाओ और शुक्राने की नफिल अदा करो। जी इंशाल्लाह मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिर्फ आपकी खातिर आई हूँ मैं, नानो आने नहीं दे रही थी मुझे। अच्छा किया, नहीं आती तो मैं खफा होता। आप भी तो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह, अब क्या सारे गिले शिकवे यहीं खड़े खड़े करोगी? चलो अंदर चलते हैं। चले चलो 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 चलो। और आपने क्या किया मेरे बगैर? मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो ये करते हैं हर बार। आपने साहिर से बात की खाला जान? हाँ बेटा, की तो थी, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। इनकार की कोई वजह भी तो बताई होगी ना उसने? अरे बस वही पुराने शिकवे। वो ये भी कह रहा था कि वो अब मजीद खिरद के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, और बेटे सच पूछो तो मेरा भी दिल नहीं मानता। क्यों खाला जान? मैं चार दिन क्या घर से बाहर रही, आपकी सारी हमदर्दियां उसके साथ हो गई हैं। हमदर्दियां नहीं बदली हैं, रिश्ते की नजाकत बदल गई है। और यूं भी तुम ये देखो ना कि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, बल्कि साहिर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये कहें ना खाला जान, कि आपके दिल में भी अपने पोते की ख्वाहिश जाग उठी है? चांदनी बेटे, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि साहिर का घर खराब होने से मेरी बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है खाला जान, आप अपनी बेटी और बहू का घर बचाइए,
मैं अपनी माँ से कह देती हूँ कि वो अपनी बेटी को उसके हाल पे छोड़ दे। बेटे गुस्सा क्यों कर रही हो? अल्लाह चाहेगा तो अनाया के लिए और कुछ बेहतर हो जाएगा। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं खाला जान? सबने मेरी जान अजाब में डाल दी है, और अनाया, अनाया ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी साहिर से ना हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हाय हाय, न जाने हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। अब तुम ये देखो कि कल की आई हुई लड़की ऐश कर रही है, भाई सुसर की भी लाडली और अपने शौहर की भी। लेकिन खाला चांद, मैं किसी का नसीब छीन के अनाया को तो नहीं दे सकती ना, इतना बड़ा जुल्म मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ये बात मेरी माँ बहन समझे तब ना। आप जानती है ना पहली गलती की भी कितनी बड़ी सजा भुगती है मैंने, और आप तो जानती है ना पहली वाली गलती भी मैंने इन दोनों की वजह से की थी और कितना जलील हुई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ बहन मेरे साथ चाहती क्या है, आखिर क्यों ये मेरा घर उजाड़ने पे तुली हुई है। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रही? कैसे ना करूं खाला जान, वो खिरत मेरी बेटी से बदला ले रही है, और पता नहीं आगे क्या क्या करेगी वो। अरे कुछ नहीं करेगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे जीते जी कभी कुछ नहीं होगा। अरे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम बिल्कुल परेशान मत। खाला जान मैं आपको बता नहीं सकती मैं इस वक्त कितनी परेशान। बेटे परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता, हर बुरा ख्याल अपने जहन से झटक दो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खाला चा, जब तक ये खिरत है कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं बेटा ना रो, रोने से कोई मसले हल होते? कैसे ना रो खाला जा, सबके सामने उसने मुझे इतना जलील करवा के रख दिया कि मैं किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही हूँ, और आप कह रही हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरी जान बस। खैरत, ये बाबा जान जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बाबा जान क्या कह रहे हैं? खैरत बच्चा बच्चा करने के लिए भी सारी जिंदगी पड़ी हुई है, और ये वक्त दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, हमें इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। साहिर हम बच्चे के साथ भी तो एंजॉय कर सकते हैं ना, और वैसे भी उसके आने से तो खुशियां आएंगी। कैसे समझाऊं तुम्हें, मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। क्या वाकई आपको बच्चे नहीं अच्छे लगते या और कोई बात? नहीं यही वजह है, मैं देखो मैं भी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। और तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? तुम ये सब खत्म करवा दो। ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे भी एक बात की वजाहत चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। किस बात की? कि इस फैसले के पीछे कोई और वजह तो नहीं? कोई और वजह नहीं है, और क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारे दरमियान आ चुका है। तुम्हें क्या हो गया खिरत, किस तरह की बातें करी? मैं सीरियसली यही चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, दैट्स इट। तो क्या वाकई अनाया इस फैसले की वजह नहीं है? अनाया सारे किस्से में कहां से आ गई? जब आप उसे ऑफिस टाइम पे लंच पे ले जाएंगे तो उसका जिक्र तो होगा। खिरत वो मेरी कजन है, उसके साथ लंच करने तो जा ही सकता हूँ मैं। सिर्फ यही रिश्ता तो नहीं रह गया आपका उससे? पुराने हवाले मजबूत होने में देर कितनी लगती है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, और ये सब मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ खिरत। ठीक है तो फिर आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अब आप अनाया से नहीं मिले। बार बार अनाया को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? मैं नहीं मिलता हूँ उससे। आप वादा नहीं करेंगे मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर तो मेरे साथ जिद ही लगाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, ऐसे ही सही। अरे साहिर आप मेरी बात तो सुने। साहिर
अगर अपने इयररिंग्स चाहिए तो 5 मिनट में बाहर आ जाओ। साहिर इतनी सुबह, तुम शाम को दे सकते थे या मैं खुद आकर ले लेती। इतनी सुबह नहीं है यार, 9 बज रहे हैं, टाइम तो देखो। मैं ऑफिस आकर ले लूंगी। बीबी आखिर चाहती क्या हो, जब से तुम आई हो हमारी जिंदगी तो अजाब हो गई। चूल्हे का? लेकिन मैंने तो चूल्हा खुद अपने हाथ से बंद किया था मानी जान। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दादी